नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। राजकीय महाविद्यालय में आयोजित हुआ व्याख्यान कार्यक्रम, डॉक्टर सिंधिया गौतम और ध्वनि मिश्रा ने दिया व्याख्यान। बड़ी संख्या में सुनने के लिए जम हुई छात्राएं। छात्र परिषद एवं महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आज व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सिंधिया गौतम ने महिला सौंदर्यकरण पर और ध्वनि मिश्रा ने महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान दिया, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित हुई। आज हमने व्याख्यान रखे हैं छात्रा परिषद महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में। दो व्याख्यान हमने कुल मिलाकर के रखे हैं। पहला व्याख्यान हमने डॉक्टर संध्या गौतम का रखा है और उनका रखा है महिला सौंदर्य और स्वास्थ्य के ऊपर, उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया है। दूसरा जो हमने व्याख्यान रखा है वो दूसरा व्याख्यान हमने रखा है महिला सशक्तिकरण पर दिया है और वो दे रही हैं ध्वनि मिश्रा, MDS यूनिवर्सिटी की हैं। ये दो लेक्चर व्याख्यान हमने आज रखे। डॉक्टर ममता गोयल। मैम बताइए आज के सेमिनार का आयोजन कैसा गया? आज हमारे यहाँ विमेन सेल और गर्ल्स एसोसिएशन में इनवाइटेड लेक्चर्स हैं। एक तो मैडम डॉक्टर संध्या गौतम जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उन्होंने लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने बताया कि गर्ल्स, ग्रोइंग गर्ल्स से लेके अडल्ट होने तक गर्ल्स को क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए अर्ली मॉर्निंग से उठने के बाद, और क्या क्या डाइट लेना चाहिए, कैसे एक्सरसाइजेस करने चाहिए जिससे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ब्यूटीफुल लगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हैं। तो ये बहुत रेलिवेंट है आजकल की गर्ल्स के लिए, जो बहुत एम्फेसाइज करती हैं कि हम ब्यूटीफुल लगने के लिए कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, लेकिन हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म ब्यूटी है। और दूसरा लेक्चर जो होने को है वो अब स्टार्ट होगा। डॉक्टर मैम ध्वनि मिश्रा जो है MDS यूनिवर्सिटी से, वो विमेन एम्पावरमेंट पे लेक्चर देने वाली हैं, जो बहुत रेलिवेंट टॉपिक है ये भी आजकल का गर्ल्स के लिए। डॉक्टर अंशु करेल। दयानंद कॉलेज में आयोजित हुई चित्रकला पर कार्यशाला जोधपुर सहायक कलामणि ज्योति स्वरूप ने किया प्रशिक्षित। कार्यशाला के अंतिम आर्ट कार्निवाल के बच्चों को दिया पुरस्कार। चित्रकला विभाग द्वारा दयानंद महाविद्यालय में चित्रकला पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसे प्रशिक्षण देने के लिए जोधपुर से कलामणि ज्योति स्वरूप आए। इस कार्यशाला में 30 से 40 बच्चों ने भाग लिया, साथ ही मिनिएचर आर्ट के बारे में जाना व इसके टूल के बारे में जाना। इसके अलावा समापन के दौरान आर्ट कार्निवाल में भाग लेने वाले बच्चों को भी पुरस्कार दिया गया। महाविद्यालय के चित्रकला विभाग द्वारा 3 दिवसीय लघु चित्रण शैली की वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें जोधपुर से पधारे हुए कलामणि डॉक्टर ज्योति स्वरूप जी ने हमें प्रशिक्षित किया। ना केवल विद्यार्थी यहाँ महाविद्यालय के बल्कि बाहर से भी पधारे हुए कला अनुरागियों ने प्रशिक्षण लिया और मिनिएचर आर्ट के बारे में जाना। कितने बच्चों ने भाग लिया था? यहाँ पे 30 बच्चों ने प्रशिक्षित हुए हैं, 30 स्टूडेंट है टोटल, और उन्होंने नेचुरल कलर्स, स्टोन कलर्स, टूल्स और जो उनके और जो विधिवत जो इनके टूल्स होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी, साथ ही एक पेंटिंग भी बनाई। आज के अलावा आज साथ ही उसी का समापन के साथ साथ आर्ट कार्निवाल का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी है, जिसमें 2018 के जितने भी विजयी बच्चे हैं कला विद्यालय स्तर और महाविद्यालय स्तर पर, उन्हें पारितोषित किया जाएगा। मैं डॉक्टर रितु शिल्पी, चित्रकला विभाग अध्यक्ष। गांधी भवन स्कूल के पास लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। पुलिस भी पहुंची मौके पर। गांधी भवन स्कूल और एक दुकान के बीच की गली में कचरा पड़ा हुआ था, जिसमें आग लगने की सूचना मिली। पुलिस भी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया गया। हालांकि आग इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। हमें इत्तला मिली थी थाने पर गांधी भवन स्कूल के पास आग लगी है, उस पर मौके पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलाया। स्कूल के पीछे और नगर निगम दुकान के बीच में गली है जहाँ कचरा पड़ा था, उसमें आग लगी थी, फायर ब्रिगेड आ गई, आग बुझा दी। क्या कारण लगता है उसमें? तो किसी ने तिल्ली विल्ली डाल दी होगी या तो यही है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम बलवीर खान है। ऐसे रेलवे अस्पतालों की बिगड़ी हालत में कैसे होगा आम जनता का इलाज? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन ने सरकार के इस फैसले का किया विरोध, कहा पहले मूलभूत सुविधा दो अस्पताल को।
सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत रेलवे हॉस्पिटल में आम जनता के इलाज को लेकर चिकित्सा विभाग को पत्र जारी किया है, जिसको लेकर आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन एम्प्लॉयज यूनियन ने प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि हमें कोई परेशानी नहीं है कि सरकार आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में आम जनता का इलाज करवाए, लेकिन अभी जो सभी मंडलों के रेलवे हॉस्पिटल की हालत हो रही है, इसमें आम जनता तो दूर रेलवे कर्मचारी को भी परेशानी आती है। इस स्थिति में आम जनता कैसा अपना इलाज करवाएगी, इसलिए पहले मूलभूत सुविधा अस्पताल में करवाने की मांग की गई। हेल्थ मिनिस्ट्री भारत सरकार के दबाव में रेलवे बोर्ड द्वारा 22 नवंबर को एक पत्र जारी करके भारतीय रेल के जितने भी सेंट्रल हॉस्पिटल हैं, मंडल चिकित्सालय हैं, उन्हें ये आदेश प्रदान किए जाते हैं कि आप अपने चिकित्सालयों पर आयुष्मान योजना के तहत शहर के आम जनता के लिए चिकित्सा सुविधा देने का काम करें, उन्हें फ्री चिकित्सा सुविधा दें, उन्हें दवाई देने का काम करें फ्री। इस संदर्भ में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने पत्र लिखकर चिकित्सा प्रभारियों को ये बताने का काम किया कि वर्तमान में हमारे रेलवे के चिकित्सालयों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ चिकित्सकों की कमी है, विशेषज्ञों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, हमारे पास जो हॉस्पिटल सहायक हैं उनकी भारी कमी है, यहाँ जांच के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं है, और वर्तमान स्थिति यह है कि जो हमारे सेवारत और सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी और उनका परिवार जो इस रेलवे हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है उनके लिए दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब तक सारे संसाधन पूरी तरीके से रेलवे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हो जाते, ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से हम आम जनता को आमंत्रित कर सकते हैं और किस तरीके से हम वहाँ उनका फ्री इलाज कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में रेल कर्मचारी को क्या प्राथमिकता मिलेगी, रेल कर्मचारी का परिवार कहाँ जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने ये निर्णय लेने का काम किया है कि पूरे जोन में, जोन के सभी मंडल पर आज अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के सेंट्रल हॉस्पिटल पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वाधान में ये एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और स्थानीय जो हमारे चिकित्सा के प्रभारी हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनको ज्ञापन देकर उनसे ये मांग की जा रही है कि हमें आयुष्मान योजना के तहत आम जनता का रेलवे में आना स्वीकार्य है, लेकिन उससे पहले जो रेलवे अस्पतालों की हालत बिगड़ी हुई है, जो संरचना में आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता है, डॉक्टरों की आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति को पूरा कर लीजिए, रेल कर्मचारी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी और उनके परिवार को पूरी सुविधाएं मिलने का काम होना चाहिए, उसके बाद अगर जनता के लिए इस हॉस्पिटल को खोला जाता है तो यूनियन को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। विश्व एड्स दिवस पर निकाली विशाल रैली और बनाई मानव श्रृंखला, बजरंगगढ़ पर शिव के कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक के साथ हुआ समापन, मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने दिया सहयोग। विश्व एड्स दिवस पर आज चिकित्सा विभाग द्वारा जागरूकता लाने के लिए विशाल रैली निकाली गई। आज अजमेर क्लब से ये जेलन अस्पताल होते हुए बजरंगगढ़ पर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जनता को इस बीमारी के बारे में जागरूक कर सके, साथ ही इस बीमारी के लक्षण जल्दी दिखते हैं तो इसका इलाज भी संभव है। कार्यक्रम का समापन बजरंगगढ़ पर हुआ और जहां मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने विशाल मानव श्रृंखला बनाई, साथ ही इस कार्यक्रम में स्वीप के तहत मतदान के लिए जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। चिकित्सा विभाग CMHO डॉक्टर के सोनी व अन्य अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित हुए, साथ ही बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। आज जो विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में एक जागृति जनता के अंदर देने के लिए कि HIV एड्स रोग जो है इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं, अगर इनिशियल स्टेज में पता पड़ जाए तो इसका इलाज भी संभव है, साथ ही जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनके जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, एक जागृति पैदा करने के उद्देश्य से इसका हमने रैली का आयोजन किया है। ये रैली यहाँ से होते हुए ये अजमेर क्लब होते हुए जेलन होते हुए बजरंगगढ़ पे आके मानव श्रृंखला बना के वहाँ पे ये समाप्त होगी, और साथ ही वहाँ पे भी एक नुक्कड़ नाटक और एक स्वीप का प्रोग्राम भी रखा गया है। यहाँ से रैली निकाल रहे कहाँ तक, क्या रोड रहेगा? आज विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए लोगों में जो यहाँ अपने चार जिले हैं संभाग में, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, तो लोगों में कई प्रकार से ये जो बीमारी फैलती है और उससे बचाव के लिए हम जो जो भी उपाय कर रहे हैं
और लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे बीमारियाँ एक दूसरे में ना फैले, और इसी जागरूकता के लिए हमने ये रैली आयोजित की है। और सभी जो हमारे छात्र हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, आशाएँ हैं और हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, ये सब मिलके एक रैली निकालेंगे अपने शहर में, और उस दौरान हम सभी लोगों को ये बताएंगे कि ये किस तरह से ये एड्स फैलती है और हमें क्या क्या बचाव रखने चाहिए। सर रोड वगैरह क्या रहेगा, क्या नुकसान? 14 लाख रुपए से भरी एटीएम मशीन उखाड़ कर फरार हुए चोर, कायर रोड की है घटना, पुलिस कर रही है छानबीन। कल रात 2 बजे चार चोर कायर रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर पहुंचे। चारों चोर मारुति वैन के अंदर आए थे और चारों ने एटीएम मशीन को उखाड़ और वहां से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी जब हुई जब सुबह साफ सफाई करने वाली बाई वहां पहुंची। बाई ने क्षेत्र के लोगों को इसकी जानकारी दी। क्षेत्रवासियों ने पुलिस और बैंक को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करी और सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये सुबह मालूम पड़ा 8:30 बजे जब बाई आई साफ सफाई करने के लिए, जबी तो मालूम पड़ा कि भाई यार एटीएम मशीन चोरी हो गई। फिर उसके बाद में पुलिस को खबर की हमने और एटीएम वाले जो एटीएम के जो बैंक के अधिकारी है ना उनको सूचना दी। उसके बाद में फिर मैंने पुलिस में खबर की और उसके बाद में मैंने खुद की अपनी दुकान पे सीसीटीवी कैमरा चेक करने की कोशिश की। चेक करने के बाद में मालूम पड़ा कि करेक्ट दो बजे उन्होंने आके ये वारदात की और कम से कम 45 मिनट तक ये वारदात चलाई उन्होंने। चार लोग थे और वैन में लेके गए मशीन को। हाँ पूरा वीडियो क्लिप मैंने देखा सीसीटीवी कैमरे का। नहीं नहीं, पहले तो वो आए इधर, गाय बैठी थी, गाय को भगाया उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने चारों आए, फिर उन्होंने ये वारदात की। और कुछ कौन सा बैंक है, एटीएम कौन सा? BOI बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर है ये? कायड रोड बैंक कॉलोनी कृष्णा आइसक्रीम। आपका नाम? कान सिंह। सर क्या वारदात है और अब क्या कार्रवाई की गई है अब तक? अजमेर में कायड रोड पर बैंक ऑफ इंडिया का एक ATM है जिसको कल रात को लगभग 2 से 3 बजे के बीच में अज्ञात बदमाशों के द्वारा उखाड़ के ले जाने की घटना सामने आई है। अभी CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आसपास के जो टोल हैं उनको देखा जा रहा है, आसपास के सुने एरियो में जो है सर्च चल रही है, अनुसंधान किया जा रहा है, सफलता मिलने पर आगे बताया जाएगा। कितने की रकम थी सर अंदर और किस तरह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? लगभग 14,38,000 की रकम बैंक वालों ने बताई है इसमें, और ATM को गैंती की सहायता से, एक घटनास्थल से गैंती मिली है उसकी सहायता से उखाड़ना सामान्यतया प्रतीत। तो किस गाड़ी से लेके गए? लगभग एक वैन जो है वहाँ आती हुई दिख रही है, तो ये संभावना है कि उसी वैन से वो लेकर गए होंगे। कितने लोगों में? उस गाड़ी में 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी कंफर्म इस बारे में नहीं कहा जा सकता कितने लोग थे। अपराधियों के चेहरे भी सामने आए क्या फुटेज में? अभी रात का समय होने से क्लियर फुटेज सामने नहीं आ पा रहे हैं, और भी तहकीकात की जा रही है जिससे अगर क्लियर फुटेज सामने आ पाए। तो बैंक की ओर से कोई सुरक्षा के गार्ड या कुछ इंतजाम? बैंक की ओर से वहाँ पे गार्ड कोई नहीं लगाया हुआ था। वो ATM एक कॉर्नर पे लगा हुआ था जहाँ पास में दुकान बनी हुई है। माय वर्ल्ड प्ले स्कूल में आयोजित हुआ एनुअल स्पोर्ट्स से बड़ी संख्या में बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया भाग, पुरस्कार भी दिए गए विजेताओं को। माय वर्ल्ड प्ले स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया जिसमें कई तरह के गेम्स और एक्टिविटीज बच्चों के बीच रखे गए। इसके बाद एक योग का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें स्कूल स्टाफ ने अपना पूरा योगदान दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि नन्हे मुन्ने बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास हो। आज हमारा माई वर्ल्ड प्ले स्कूल अजमेर का स्पोर्ट्स डे है, एनुअल स्पोर्ट्स डे। इसमें करीब 240 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही तरह तरह के कार्यक्रम आज बच्चे पेश करेंगे, जिसमें सबसे पहले गायत्री मंत्र के साथ शुरुआत होगी, भक्ति गीत है, देशभक्ति गीत गाएंगे, करीब 125 बच्चे इस भक्ति गीत को गाएंगे। उसके बाद एक योग का बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और उसके बाद हर क्लास की एक रेस है। शुरू में चीफ गेस्ट का वेलकम एक रैली के साथ है जिसमें 2 साल से 3 साल के 4 साल के बच्चे सारे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टीचर्स ने बहुत ही मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए और नन्हे बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। चीफ गेस्ट कमिश्नर नगर निगम अजमेर मिस्टर हिमांशु गुप्ता जी हैं
और उन्हीं के आतिथ्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं सविता गढ़, प्रिंसिपल माई वर्ल्ड प्ले स्कूल। विद्या भारती निकेतन में भारतीय कलाओं पर आयोजित हुई दो दिवसीय कार्यशाला नृत्यांगन दृष्टि रॉय ने किया जज, 380 बच्चियों ने लिया भाग। संस्कृति मंत्रालय और विद्या भारती निकेतन द्वारा भारतीय कलाओं पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अजमेर की नृत्यांगना दृष्टि रॉय ने जज किया। दृष्टि रॉय ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि यह बहुत अनूठा प्रयास था कि बच्चियों में भारतीय कला के प्रति जागरूकता लाई जा रही है। इस कार्यशाला से बच्चियों को कई कलाएं सीखने को मिली, जैसे नृत्य, पेंटिंग, कैलीग्राफी, संगीत, मेहंदी, मांडना जैसी कलाओं को सीखने के लिए 308 बच्चियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय और विद्या भारती निकेतन पुष्कर रोड जो है वहाँ पे एक सांस्कृतिक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, कार्यशाला, जो कि अपने आप में एक अनूठा प्रयास था संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, जिसमें बच्चियों को नृत्य और विभिन्न कलाएं सिखाई गईं। वैसे तो भारतीय कलाओं में 64 कलाएं प्रमुख हैं, लेकिन नृत्य, पेंटिंग, ड्राइंग, कैलीग्राफी, मेहंदी, मांडना और संगीत, ये जो कलाएं हैं ये अपने आप में एक प्रमुख स्थान रखती हैं, और इसी कला को साथ लेके चलते हुए बच्चियों को जागरूक करने के लिए एक छोटी सी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दो दिवसीय कार्यशाला में बच्चियों ने विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में जाना, उनके बेसिक जो है, जिस तरीके से ये कलाएँ बनती हैं, इनको किस तरीके से अपने आम जनजीवन में प्रयोग किया जाए, उसके बारे में जाना और सीखा। और करीब 380 बच्चियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इन सभी को जो है संस्कृति मंत्रालय की तरफ। भाजपा के चाणक्य अमित शाह के रोड शो की तैयारी का जायजा लेने आए केंद्रीय मंत्री तरुण चुग। शहर के मुख्य मार्गों से निकलेगा रोड शो, हर चौराह पर कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 5 दिसंबर को 12 बजे से अपना रोड शो शुरू करेंगे। इसी संदर्भ में तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय मंत्री तरुण चुग अजमेर आए और शाह के रोड शो के लिए रूट फाइनल किया। तरुण चुग ने बताया कि शाह का रोड शो शहर के मुख्य मार्गों से निकलेगा, उसके बाद मुख्य चौराह पर जाकर समाप्त होगा। साथ ही हर चौराह पर 8 विधानसभा के 1,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। भारतीय राजनीति के चाणक्य, जिन्हें हर बाजी जीतना आता है, ऐसे बाजीगर अमित शाह जी राजस्थान में इस सारे चुनाव अभियान की अंतिम रोड सभा, रोड शो 5 तारीख को 12 बजे शुरू करेंगे, जिसमें 8 की 8 विधानसभा से लगभग 1,00,000 से ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ता, जहां अमित शाह जी के स्वागत के लिए जगह जगह चौराहे चौराहे पर खड़े होकर स्वागत करेंगे, और एक भव्य कार्यक्रम कि राजस्थान अब वसुंधरा जी की सरकार चाहता है, राजस्थान नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहता है, वसुंधरा जी को दोबारा रिपीट करना चाहता है, उस मैसेज को लेकर यहाँ इकट्ठे होंगे। और ये दिन इन सभी विधानसभाओं के चुनाव का आखिरी प्रचार दिवस है, इसलिए अजमेर में एक बड़ा रोड शो, एक बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह अमित शाह जी के साथ चलेगा और जनता के पास जाकर निवेदन करेगा कि भाजपा और राजस्थान राष्ट्रवाद चाहता है, टुकड़े टुकड़े गैंग राजस्थान नहीं चाहता, ये वीरों की भूमि है, ये सैनिकों की भूमि है, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की भूमि है, ये पृथ्वीराज चौहान की भूमि है, यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं चलेगा, राहुल गांधी नहीं चलेगा। रूट क्या रहेगा वैसे? शहर के अंदर मुख्य बाजारों में से होकर अमित शाह जी एक मुख्य चौराहे पर आकर समाप्त करेंगे, जहां सब कार्यकर्ता उनके साथ चलेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह रणावत विधानसभा चुनाव में आजमा रहे अपनी किस्मत, कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के लिए बन सकता है रोड़ा। माढ़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा 2018 का चुनाव में विधायक बनने की किस्मत आजमा रहे निर्दलीय प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह रणावत ने जनसंपर्क की शुरुआत आज भैरूखेड़ा, रतनपुरा, भोपो का खेड़ा, कमेरी, मोहनपुरा, खोखला, रबेरिया की ठाणी व कई विभिन्न गाँवों से किया। जगह जगह गांव में ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। गांव गांव ढाणी ढाणी लोगों के पास पहुंचकर उनकी समस्या सुनकर तथा निस्ता निराकरण करने के लिए लोगों को आश्वासन दिया। लेकिन जो बात मैं आप लोगों को कर पाया वह बात यह है कि ये बार चुनाव थोड़ा विशेष है। विशेष ये बात है क्योंकि आप लोग 18 सालों कांग्रेस और बीजेपी ने वोट देता आ रहे हो। आप लोगों को विश्वास हो, चाहे आप बीजेपी में आदरणीय कालू लाल जी में वोट दो, चाहे आप कांग्रेस में आदरणीय रामलाल जी जाट साहब ने वोट दो, चाहे आप निर्दलीय में मन दो, चाहे बडाना जी ने,
आप लोगों के सामने जो जो चुनाव लड़ रहे हैं वे सब आप लोगों के सामने आई और आप अपनी बात रखी। वोट देवा को अधिकार आप लोगों को। अजमेर में अमित शाह के रोड शो के लिए भाजपा जनों ने बांटे पीले चावल। 5 दिसंबर को करेंगे रोड शो। अजमेर के दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में होगा रोड शो। विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 5 दिसंबर को अजमेर में रोड शो करेंगे। ये रोड शो अजमेर की दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में होगा। इस शो में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए आज भाजपा जनों ने पीले चावल बांटे और इस शो को सफल बनाने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में संपूर्ण राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और उसी के अंतर्गत 5 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी जो है अजमेर में हमारे दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करेंगे। उसके नाते भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से तैयारियों के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता इस महायज्ञ को सफल करने के लिए जोरों के साथ लगा हुआ है। आज हम सब इस सब के लिए जनता के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पधारें। भारत माता की। कांग्रेस नेता नसीब पठान ने सिंधी समाज को बताया नाराज फूफा। कांग्रेस ने बनाया है नसीब पठान को चुनाव प्रभारी। आज कांग्रेस ने जारी किया भाजपा पर आरोप पत्र। अजमेर कांग्रेस कमेटी ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित किया जिसमें भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस आरोप पत्र में कांग्रेस ने भाजपा से उन लाभार्थियों के नाम पूछे जिसे नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ। साथ ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि भाजपा के शासन में राजस्थान में 70,000 सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है। ऐसे के निशाने जैन ने भाजपा पर साधे। इस प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री ललित भाटी, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल और यूपी की कांग्रेस नेता नसीब पठान भी शामिल हुए। पठान को 8 विधानसभा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। पठान ने मीडिया से बात करते हुए सिंधी समाज के विरोध को नाराज फूफा बताया और राजस्थान के चुनाव पर कहा कि बहुमत के साथ कांग्रेस जीतेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय जनता पार्टी से एक जो है जनता के जो आरोप के रूप में एक आरोप पत्र बनाया गया है जिसको आज हम यहाँ जो है जारी कर रहे हैं। और इस आरोप पत्र के अंदर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता को 7.5 करोड़ जनता जिसने राजस्थान की ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी को और प्रचंड बहुमत दिलाया, उस बहुमत होने के बावजूद उन्होंने जनता के साथ किस तरह कुठाराघात किया और जनता की भावनाओं को किस तरह ठेस पहुँचाई, उस चीज़ का जो है हम आज आप सब लोगों को यहाँ उसकी जानकारी दे रहे हैं। और उन 70,000 शिक्षण संस्थाओं को जो है जिस तरह उससे उसमें पढ़ने वाले छात्र और उसमें जो अभिभावक थे जिस तरह प्रभावित हुए, उस चीज़ को हम जवाब यहाँ मांगना चाहते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री हैं वासुदेव देवनानी जी, उसका जवाब दें कि क्यों आपने 70,000 स्कूलें बंद कर दी, किस तरह आपने जो है आर्थिक एवं जो है दूसरे जो भी बजट थे उस बजट को किस तरह आपने पब्लिक के अंदर लगाया है, क्या वास्तव में वो बजट जो है जनता के बीच में लगे हैं जो कागजों में आपने हमें बताए या इससे पहले आपने जो वादे किए थे। और चाहे हमारे यहाँ किसानों की बात हो तो किसान किस तरह मर रहे हैं, किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है और किसानों के जो ऋण माफ़ी की बात करने वाली सरकार जो है किसानों के साथ किस तरह जो इन्होंने कुठाराघात किया और किसान किस तरह अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि आज यहाँ नारी की जो नारी यहाँ हमारे यहाँ महिला का जो है एक विशेष अपन ने उच्च स्थान दे रखा है महिला को, उस महिला के साथ किस तरह से इन्होंने जो है राजस्थान के अंदर कितने अत्याचार महिलाओं के ऊपर बढ़ गए हैं। आज हमारे राजस्थान पूरे देश के अंदर 5वें स्थान पर जो है इन सब जो है नारी के ऊपर जो अत्याचारों में उसके अंदर आ रहा है। तो ये एक हमारे लिए बहुत एक शर्म वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह लोगों को जो है गुमराह करके और किस तरह उन्होंने जो है जनता के साथ कुठाराघात किया है। हम हमारे ये परिपत्र चाहे राज्य कर्मचारी हों चाहे आज हमारे यहाँ जो है उद्योग धंधे हों, किस तरह हमारे यहाँ उद्योग धंधे चरमरा गए हैं और GST पे जिस तरह इन्होंने आज यहाँ व्यापारी की कमर तोड़ दी है। पहले ही केंद्र सरकार ने नोटबंदी करके कमर तोड़ी हुई थी
आज उसके बाद जो है राजस्थान के अंदर इन्होंने जिन चीजों के ऊपर जो है आज पेट्रोलियम पदार्थ है उसके ऊपर जो टैक्स की जो मार मार रखी है, तो आज विशेष बोझ जो है राजस्थान के अंदर जो आम जनता को झेलना पड़ रहा है। और इसके अलावा भी जो है, चाहे हम पर्यटन की बात करें, चाहे हम बात करें अजमेर की भी, कि अजमेर में चाहे बिजली का इन्होंने जिस तरह से बिजली को प्राइवेट कंपनी को ठेके पे दे दिया और अजमेर की जनता के साथ कुटाराघात किया है, कि अजमेर की जनता ने इसलिए नहीं चुना था कि आप प्राइवेट कंपनियों को सरकारी चीज़ों को भेज दें। और पानी की बात करें तो पानी में अजमेर का अधिकार जो है पानी से छीन के दूसरे शहरों में विभाजित किया जा रहा है, उससे भी अजमेर की जनता बहुत त्रस्त है। आज हमारे यहाँ जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, जो संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, न्यूरो के लिए हम घूमते रहते हैं। आज हम यहाँ अगर लाइन से देखें तो हमारे यहाँ छोटी सी भी अगर थोड़ी बीमारी ज़्यादा हो जाए तो तुरंत प्रभाव से उसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। संभाग का इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद यहाँ आज तक ये पूरे डॉक्टर्स नहीं लगा पाए और ये पूरी सुविधाएँ नहीं दे पाए। आज हम जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह अजमेर शहर का जो इन्होंने हाल कर रखा है, चाहे वो नाली का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह लोगों को इन्होंने जो है बेवकूफ बनाया, हम पूछना चाहते हैं इस आरोप पत्र के अंदर कि आपने स्मार्ट सिटी के अंदर कितना पैसा लगाया और उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाया। हृदय योजना के अंदर पैसा आया आपने कहाँ लगाया, आपने प्रसाद योजना के अंदर पैसा आया कहाँ लगाया, आपने हेरिटेज में पैसा आया कहाँ लगाया। शहर में जो वास्तविकता है कि वो धरातल पे हमें पैसा दिख नहीं रहा है, क्या सारा पैसा अनाधार में लगा दिया आपने। और आज अगर हम बात करते हैं तो आज जनता ये पूछना चाहती है कि दोनों विधानसभा में भेद कर रखा है। आज कुछ जो भी घोषणाएं करते हैं वो हमारे यहाँ दक्षिण विधानसभा को छोड़ दिया जाता है उसमें, तो ये भी इनका इनसे हम जवाब मांगना चाहती है अजमेर की जनता, कि अजमेर की जनता में जो है दोनों क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया उनको, और जो पैसा जो लगा हुआ है उस चीज़ को स्पष्ट करें कि पैसा कहाँ लगा है। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि नोटबंदी के अंदर जो है किन लोगों को लाभ मिला, उन लाभार्थियों के नाम बताए जाएं, क्या नोटबंदी से विजय माल्या, मेहुल मेहता, आज जो हमारे निर्वा मोदी और कई हमारे ऐसे 10-15 ऐसे लोग हैं जो देश के हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए, उनको आज तक पकड़ नहीं पाई है यहाँ। और जो है इस सरकार ने जिस तरह नाकामी हुई है तो उस चीज़ के लिए हम आरोप लगाते हैं कि आज हमारे राजस्थान की जनता को जिस तरह आपने ठगा है, उन्हें आप एक बार फिर से जो है चुनाव होने जा रहे हैं और जनता को फिर गुमराह कर रहे हैं। विकास की बात नहीं कर रहे हैं आप, बात कर रहे हैं जाति की, आप बात कर रहे हैं धर्म की, आप बात कर रहे हैं ऊंच नीच की। हम बात करना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए थे युवाओं से नौकरी के, आपने जो जिस तरह विकास की बात की थी, आज उन चीज़ों का क्या हो रहा है। आज वो सब चीज़ें धरातल पे बिल्कुल देखने को मिल रही है, तो हम कांग्रेस जो है बीजेपी से आरोप लगा के उनसे जवाब मांगना चाहते हैं कि इन चीज़ों का जवाब दे, उसके बाद फिर चुनाव में जो है लोगों से वोट मांगने का अधिकार वो प्राप्त करे, पहले इन चीज़ों का जवाब दे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अजमेर के विजय जैन जी ने रखी थी। ये जनता के आरोप पत्र जो भाजपा ने झूठे लुभावने वादे किए थे, शिक्षा, बिजली, एजुकेशन, विकास, सब चीज़ों पे फेल उतरी है। तो इन्हों इसमें हमने आंकड़े भी दिए हैं, आपको प्रेस रिलीज में भी दिया गया है। मोटे मोटे बातें सिर्फ ये हैं कि जिस तरह से पिटंट बहुमत से इस सरकार को इस प्रदेश की जनता ने बनाया था और उसी पिटंट बहुमत से इस सरकार की रवानगी इस प्रदेश की जनता कर रही है। और जैसे कांग्रेस के यहाँ पर पुतले फूके जा रहे हैं अजमेर में, कल ब्यावर में भी हंगामा हुआ, क्या कल सचिन पायलट जी सभा छोड़ के चले गए तो पब्लिक में रोष था? वो पब्लिक में रोष नहीं होता, वो एक दो व्यक्तिगत कोई लोग अपने उसमें होंगे नाराज, वो अलग किया जाए, लेकिन जनता का आप भी देख रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, तो जनता में किस तरह का उनके प्रति आक्रोश है, वो ऐसा आक्रोश है कि शायद उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है। अभी सचिन पायलट जी के यहाँ पर पुतले भी जले हैं, देखिए सिंधी समाज विरोध कर रहा है यहाँ पर। वो पुतले जले क्या हुआ ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जैसे आप बता रहे हो तो कोई भी लोग प्लानिंग करके दूसरी पार्टियों को लोगों को करके करा देते हैं एक दूसरों का, एक पुतले जलने से कुछ नहीं होता। एक माहौल जो बना हुआ है, जिस तरह का उत्साह पूरे प्रदेश के अंदर है, इस तरह का मैं समझता हूँ ये इस सरकार की रवानगी का वो है, क्योंकि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं, झूठे वादे केंद्रीय
मोदी जी भी जिस तरह से करते थे उसी के पैटर्न पे इन स्टेट में चल रहा है, पूरे देश के हर इस जहाँ जहाँ उनकी सरकारें इसी तरह का काम करते हैं और बताते ही हैं कि हम सबसे हमने विकास किया और जब से नोटबंदी GST ये हुआ है तो पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है। जनता तो यही बोलती है कि सब कोई से भी सरकार आ जाए पहले अपने काम तो होती नहीं है, यही शायद कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस भी करेगी नहीं, ये नहीं करेगी, आरोप लगाती है। नहीं ऐसी बात नहीं होती, कांग्रेस की सरकारें आपने देखी हैं पहले, ऐसा नहीं हुआ है। इस टाइम अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है जिसकी घोषणा नहीं है और जिस तरह के लोगों पे समझ लीजिए आपके ऊपर भी दबाव है, ये आप किस तरह से आप काम कर रहे हैं ये आपके लिए आपको धन्यवाद है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं कम से कम सत्यता आप दिखा रहे हैं। सत्यता दिखाएंगे तो पार्टी ये चली जाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो हमारा सबसे पहले राहुल गांधी जी का वादा है कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 11वां दिन नहीं लगेगा। सर सिंधी सीट को लेकर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में वो वाली संशय वाली चीज़ है, कितना अपन वो चीज़ कर पाएंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जब शुरू शुरू में होता है थोड़ा लोग नाराज़ होते हैं और घर में भी लोग नाराज़ होते हैं, जब कोई विवाह होता है तो आदमी खास रिश्तेदार उसका फूफा है या साला है कोने में बैठ जाता है तो उसे लोग पटाते हैं कि चलो चलो, लेकिन वो नहा धो के बैठता है कपड़े पहन के, उसे पता है कि मैं जाना है थोड़ा सा आ जाए मेरे पास, तो वो सब अपनी पीड़ा होती है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब लोग लड़ा रहे हैं इसीलिए कितना उत्साह लोगों में भरा हुआ है। सर आपका परिचय? मैं नसीब पठान, विधान परिषद का UP में 12 साल विधान परिषद में दल का नेता रहा हूँ कांग्रेस का, और पार्टी ने मुझे यहाँ जनपद में जिसमें 8 सीटें आती हैं इसका प्रभारी बना के ICC में मुझे भेजा गया है, तो मैंने यहाँ पर 5 विधानसभाओं में और 8 में सबसे संपर्क कर लिया है, सब में जाकर और हमारे लोग सब लोग ऐसी कोई बात नहीं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। सर ऑल ओवर राजस्थान में कितनी सीटों आने का? बहुमत की सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर और कुछ भी हो सकता है, वैसी बातें हम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुमत, पूर्ण बहुमत और बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी। और अजमेर 8 विधानसभा क्षेत्र में कितनी सीटों की आपको लगता है? भाई हमें तो पूरी की उम्मीद है, जिस तरह का जहाँ जा रहे हैं कोई शिकायत तो है नहीं। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।